सबको प्यारी सी राम राम जी। सुबह के बज चुके हैं 9:30 होने वाले हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, इसके पापा ऑफिस चले गए हैं, किचन का काम कुछ नहीं हुआ है। 8 बजे मैं गई थी रनिंग के लिए, थोड़ा वॉक की, घास पे चली, थोड़ी रनिंग करके आई, आके एक्सरसाइज की, 1 घंटा दे दिया अपने आपको। अभी घर का काम शुरू कर दिया, नींबू पानी पी लिया है, ये सब काम हो गया है। थोड़े कपड़े वपड़े मशीन चलाइए, पड़े हैं थोड़े कपड़े मेल के। और ये देखो घर की हालत, घर की हालत तो रोज ही बुरी रही है। सुबह सुबह बच्चे इतनी जल्दी में जाते ना, ये सब धुले हुए कपड़े हैं तो रखे थे, वो पड़े धुले हुए, ये भी धुले हुए हैं, ये चद्दर वगैरह ब्लैंकेट वगैरह नहीं उठाया, बेड ठीक नहीं किया है, वो उधर चेयर पे भी धुले हुए पड़े हैं, मच्छरदानी ऐसे ही पड़ी है। और ये करवा दिया मेरे बाबू छोटे ने, निशु ने सारी चीज़ें बिखरवा दी। सुबह सुबह जिद करके गई कि मम्मा 2 चोटी बना के दो, अब 2 चोटी के लिए 1 से 2 रबड़ चाहिए, वो ढूंढने के लिए सब चीज़ें खोल मारी, तब जाकर 2 रबड़ मिले, तब वो चोटी करके गई। ऐसे बच्चे हैं, जिद कर लेते हैं ना कि ये करना है, मैं भी सोची चलो सुबह सुबह मूड ऑफ करके जाएगी, नहीं तो गुस्सा होके जाएगी, इसलिए उसके लिए बखेरा तो मैंने ये सब, लेकिन कराया उसने कि 2 रबड़ 2 ढूंढ के चोटी करके, तो ये सब सामान बखेर दिया। अब ये सब रखना है इसमें, अरेवाड़ी से जो मैं शॉपिंग करके लाई थी ना सामान, मैंने दिखाया नहीं है, सोचती हूँ आज दिखाऊंगी, आज दिखाऊंगी, आज के ब्लॉग में दिखाती हूँ, तो ये दिखाया नहीं था, इसमें वो सामान है ऐसे ही रखा, फिर इसको रखा भी नहीं है मैंने, पूरी ड्रेसिंग वगैरह का सब बिखरा पड़ा है, क्योंकि पूरा बखेर देते हैं सुबह सुबह। तो अभी करेंगे जी काम, साथ साथ में खाना पीना चलता रहेगा, ब्रेकफास्ट नहीं किया, नींबू पानी पिया है बस, और अब काम के लगेंगे, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि फिर बच्चों का टाइम हो जाता है, और बस ब्रेकफास्ट करते रहेंगे, साथ में कुछ फ्रूट्स लेते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अच्छे से दिन, आप भी अपने दिन को एंजॉय करा दो। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस एक पल में भी आपकी उम्र, जितनी आपकी एज है, जितनी लाइफ आपको मिली है, वो कुछ ना कुछ कम हो रही है। मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी भी कुछ ना कुछ कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, इसलिए हर एक पल को जितना हो सके उतना एंजॉय किया करो, चाहे काम करना हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो आप 24 घंटे में, उसको जितना हो सके उतना खुशी के साथ, एंजॉय के साथ किया करो। कहना आसान है, हर पल हम खुश नहीं रह सकते, सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी कभी बुरा लगता है, किसी चीज़ का गुस्सा आता है, बच्चों पे, कभी भी किसी के भी साथ भी सब एक सा नहीं रहता कि हंसता ही रहे पूरा इंसान, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ट्राई करो जितना खुश रह सकते हो, जो होना है वो तो होना है, आप अपना जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान पर। हाँ ये नहीं है कि मैं तो कुछ नहीं करूंगी, जो होगा वो होगा, नहीं, आप अपना करो, आप अपना 100% करो जितना कर सकते हो, बाकी सब देखा जाएगा। तो अपने दिन को, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, सबके साथ प्यार से, हंसी खुशी से, सबका ध्यान रखते हुए और सभी का आशीर्वाद लेते हुए, तो चलिए दिन को शुरू करते हैं और प्यारा सब लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लोग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, तो चलिए शुरू करें। चीज लेनी पड़ती है, सारे खोलने पड़ते हैं, ऐसे जूतों के डब्बे में भी कोई सामान रखता है क्या मेरी तरह? कोई ना कोई तो मिल जाएगा मेरे को मेरे जैसा, बताना कमेंट करके कोई रखता है तो जी, हमें तो जी सामान रखना है, कहीं भी रख देते हैं ये सब ना, मेरा सामान है सब, ऐसे चूड़ी वूड़ी, इयरिंग्स का बहुत शौक है मेरे को, चूड़ियाँ, ये मेकअप का भी कम हो गया, मतलब सजने सवरने का बहुत शौक है, पर ये सब ना मेरे खुद के बनाए हुए हैं, देखो ये बच्चे ले थे ना थ्रेड वाले, मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ मिलकर बहुत बनाए थे, ये इधर से निकल गया, ये देखो ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, सारे खुद के बनाए हुए हैं, ये सारे खुद बनाए थे मैंने एक फ्रेंड के साथ मिलकर, बहुत कुछ कबाड़े किए हुए हैं लाइफ में, कभी किसी चीज़ का इंटरेस्ट आ गया, कभी किसी चीज़ का आ गया, तो कभी कुछ करने लग गए, कभी कुछ करने लग गए, और इतना ही नहीं, देखो ये देखो ये सब भी मेरे खुद के बनाए हुए हैं, कभी दिखाएंगे दसरली से कभी, अगर आप लोग कहोगे तो, बहुत सारे हैं ऐसे इयरिंग, पूरा सेट गले का, ये सब धागे वाले थ्रेड वाले जो चल रहे थे ना, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी पहनते हैं, बट हमारे लिए थोड़े पुराने हो गए क्योंकि उस टाइम पे बहुत बना के पहन लिए, ये जगह ही नहीं है सब सामान रखने के, तो बच गया
अभी तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ। ये हो गया, ये रेवाड़ी सिलाई थी वो सामान। इसको देखूँगी आज दिन में दिखाऊंगी या फिर दिखाऊंगी सामान इसी। और इस वाली ड्रॉर में ये तो सब नेल पेंट है, एलोवेरा वगैरह, मेरे तेल बनाए हुए, ये देखो तेल बना के जो रखती हूँ, कुछ दिन स्टोर करने रहते फिर लगाती हूँ, वो सब सामान है। और ये मेरे पास एक हिमालय का फेस वॉश पड़ा है, कब का पड़ा है इसकी डेट नहीं होती इसलिए मैं नहीं फेंक रही। हिमालय का फेस वॉश पड़ा है, इसकी डेट रह रही है अभी, सोचती हूँ क्या पता कभी किसी के काम आ जाए कोई आए तो। देखो यूज नहीं किया, भरा का भरा रखा है, क्यों करती ही नहीं मैं, मैंने ले लिया था शायद और फिर किया नहीं, ऐसे लिया था कहीं जाना होगा तो शुरू शुरू में, जैसे जब मैं अपने नेचुरल प्रोडक्ट पे आई थी ना तो सोचा था कि कभी जरूरत पड़ जाए जैसे भी तो उसके लिए लिया था, पर ये पड़ा ही अभी तो इसको ऐसे फेंकना पड़ेगा। तो इसमें ये सब आइटम है मेरा, जी आज मेरा बाबू स्कूल में दो चोटी करके गया था, देखो ऐसे तो एक खोल दिए और खोलते ही देखो क्या बन गया। रुको रुको ये वाली और खोलते हैं, देखो ऐसे, अच्छा फोन पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे अभी उधर मुंह करो, ऐसे नीचे कर फोन को थोड़ा, हाँ रुको क्या बन गया ये। बहुत सुंदर खुद को देख के आज रही है। तो ये है आज का खाना, लौकी की घिया की सब्जी बनाई है आज, ये चटनी है जो इडली के साथ खाते हैं वो वाली, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, दही है, रोटी है और सलाद है। ये आज का लंच है हमारा, सब्जी तो जी सुबह ही बना ली थी, इसके पापा ऑफिस जाते हैं, ये भी लोग स्कूल में लेके गए थे तो सुबह ही बनाई थी, तो वही है चटनी कल की है, ये कल बनाई थी, अभी रोटियां बनाई है बस। तो ये लंच है, निशु यहाँ पर ही थोड़ी पढ़ाई कर रही है। सुंदर एक कली इतनी उससे आकर बोली, तुम लगती बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोल और हमारे संग खेलो। जी आज डिनर में बनाया है पोहा, और निशु पोहा थोड़ा कम खाती है, हम तीनों तो खा लेंगे, रोटी सब्जी भी है, और ये बनाया निशु के लिए ओट्स, उसको ओट्स पसंद है और पोहा वो खाएगी नहीं अच्छे से, तो ये बना के रख दिया है। तो आज का ये है डिनर, तो अभी 8 बज चुके हैं, अभी हम लोग डिनर करेंगे, हल्का फुल्का है आज का।